हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम एरिया और वॉल्यूम का, ठीक है। ये बोल रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, बोल रहा है सिल्वर के कितने कॉइन्स। ये मैं बना देता हूँ सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर कॉइन सबने देखा होगा, थोड़ा सा मोटा भी होता है ये, ठीक है। ये हो गया सिल्वर कॉइन्स। बोल रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना हो गया 1.75 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस चाहिए कि हम अभी निकाल लेते हैं 175, पॉइंट हटा के नीचे 100, और रेडियस के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी रेडियस। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा और 25 7 जा, तो ऊपर आ गया 7, नीचे हो गया 4, 2 जा 8, रेडियस आ गई हमारी, ठीक है। इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm, और थिकनेस ये कितनी है 2 mm। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा या 2/10, ठीक है। काटेंगे तो 1/5, ठीक है। ये क्या होगी थिकनेस। अगर हम इसे सिलेंड्रिकल शेप में देखते हैं तो ये हाइट होगी, ठीक है। अगर हम सिलेंड्रिकल शेप होती है देखो थोड़ी सी, क्योंकि हाइट भी है और सिलेंडर जैसा ही है, ठीक है। तो रेडियस तो हो गई 7/8 और हाइट हो गई कितनी 1/5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में। बोल रहा है मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, बोल रहा है इनको पिघलाना है और बनाना है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन कितना। क्यूबॉइड बना देते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड जैसा एक डब्बा बनाना है या। इसका हमें दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, फिर ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे को पता चल जाएगा टोटल कितने सिक्के पिघलाए जाएंगे। एक सिक्के का ही है, वो टोटल सिक्के निकालने के लिए इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ होगी 5.5, ब्रेथ होगी 10 और हाइट होगी 3.5, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर है, पाई का हो गया 22 × 7, और आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 7/8, यानी 7 नीचे ऊपर 8, फिर वापस से 7 नीचे ऊपर 8, आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितनी है 2/10 थी, तो जिसे हमने कन्वर्ट करके 1/5 में कर लिया था, तो 1 नीचे और 5 ऊपर, ठीक है। तो ये आगे हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे नीचे मैं 10 लिख देता हूँ, इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लिख देता हूँ, ठीक है। इस 7 से ये 7 कट गया, 7/5 = 35, ठीक है। 11/2 = 22, 11/5 = 55, ठीक है। इस 10 से ये 10 कट गया, 2 से काटेंगे 2/4 = 8, ठीक है। अब 5 से काटते हैं, 5/2 = 10, और 2 से काटा 2/2 = 4, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे, ठीक है। तो 400 कॉइन्स हो गए, ठीक है। 8/5 = 40, 5/2 = 10, 40 × 10 400 कॉइन्स, ये 320 बना दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा।